दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे एक कुकिंग में। आज मैं दाल मटन बनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल स्पेशल आसान तरीके से और कुछ अलग तरीके से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे नए हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों मैंने ये मसूर दाल लाल वाली और अरहर का दाल एक एक कप दोनों ले लिया और धो करके अच्छे तरीके से ला दिया हूँ। उसके बाद जो है 1 चम्मच हल्दी और ये 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे और उसके बाद जो है ये 1 चम्मच ये तेल डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालेंगे अपने हिसाब से ताकि हमारी दाल जो है गल जाए, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद जो है चला लेंगे, चला करके और इसको चूल्हे पे रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद जब तक एक कुकर रखेंगे, प्रेशर कुकर, और उसमें तेल डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच। ये मैंने तेल डाल लिया 2.5 चम्मच और उसके बाद जो है इस तेल थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होते ही उसके बाद जो है एक तेज़पत्ता डालेंगे और एक दालचीनी के टुकड़ा डालेंगे छोटा सा, और इसको चला लेंगे। उसके बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट पेस्ट डालेंगे। उसके बाद चला लेंगे ऐसे। चलाने के बाद जो है कटी हुई 2 मीडियम बारीक प्याज डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे और प्याज थोड़ा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद जो है हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई 8 से 10, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्च कम डालेंगे इसलिए हरी मिर्च ज़्यादा डाला। इस तरीके से चला करके ब्राउन करेंगे प्याज और मिर्च को। उसके बाद जो है ब्राउन हो जाए, जैसे ही इसमें हम नमक डालेंगे। हर वीडियो में यही बताता हूँ, टमाटर के साथ टमाटर डालेंगे, टमाटर के साथ नमक डालेंगे 1 चम्मच ताकि टमाटर हमारा जल्दी गल जाए अच्छी तरीके से, और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते कर लेंगे उसके बाद टमाटर गलने के इंतज़ार करेंगे। टमाटर जैसे गल जाए उसके बाद जो है जो ये मटन है हमारे अच्छे से धो के ला दिया हूँ, आप भी धो लेंगे अच्छे तरीके से और इसमें डाल लेंगे। और चलाएंगे अच्छी तरीके से, मिक्स करेंगे प्याज और ये मिर्ची के साथ टमाटर के साथ। मिक्स ऐसे करके चला चला कर जो मटन में हमारे पानी है वो पानी जब तक ये अलग ना हो जाए, ये सोख ना जाए, जब तक चलाते रहेंगे अच्छी तरीके से। देख सकते हैं आप पानी हमारा मटन का अलग हो के सूख गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ये धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ये गरम मसाला, या मिक्स मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी ये लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने, आधी चम्मच से भी कम, और इसको मिक्स करेंगे हम। और फ्लेम, गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम कर देंगे। मसाले अच्छे तरीके से भुनेंगे, इस तरीके से मसाले भुनेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें, जैसे कि 4 से 5 प्रेशर कुकर का सीटी लग जाए। उसके बाद ऐसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और चूल्हे पर रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे गैस का। जब तक दाल चेक कर लेते हैं, दाल देख सकते हैं आप गल गई अच्छी तरीके से, फिर चला लेंगे इसको। यह हमारी दाल तैयार हो गई है। फिर जो है हमारा प्रेशर कुकर का सीटी भी है, 4 से 5 कंप्लीट हो गया। आपको गलाने तक सीटी लगाना है, मैं 4 सीटी में गल गया है गोश्त, देख सकते हैं। उसके बाद जो है दाल और गोश्त एक में मिक्स मिक्स करेंगे हम, देख सकते हैं ये मैं मिक्स करने जा रहा हूँ। ये ऐसे आप मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे ताकि नीचे से दाल लगे नहीं, और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको। मसाले जो है गोश्त दाल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद एक फ्राई पैन रखेंगे,
और उसमें तेल डालेंगे एक चम्मच से, थोड़ा सा छोटे चम्मच से, और तेल गर्म होते ही जीरा डालेंगे एक छोटे चम्मच। जैसे जीरा हमारे ब्राउन हो जाए उसके बाद जो है इसमें ये डाल देंगे, फिर कटी हुई प्याज, एक छोटी सी मीडियम साइज़ का प्याज, उसके बाद जो है प्याज भी ऐसे इस तरीके से जीरा और प्याज जो है ब्राउन करेंगे। उसके बाद जो है इसमें तड़का लगा देंगे दाल में इस तरीके से, और चला लेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों दाल गोश्त हमारा तैयार हो गया, आप भी ऐसे आसानी तरीके से बना सकते हैं। चैनल पे मेरे नए थे, चैनल से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।